हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामगढ़ न्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एंड आरआरबी जेई भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। ये वीडियो ओनली फॉर वेटिंग लिस्ट या फिर स्टैंड बाय लिस्ट वाले कैंडिडेटों के लिए है। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद में भी अभी तक आरआरबी के द्वारा चाहे कैंडिडेट एएलपी एंड टेक्नीशियन के हो या फिर आरआरबी जेई वाले कैंडिडेट हो, किसी भी प्रकार की कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग पैनल लिस्ट सॉर्ट आउट नहीं किए जा रहे हैं। प्रीवियस में आपने देखा होगा कुछ कुछ ही कैंडिडेट ऐसे जिनकी वेटिंग लिस्ट आरआरबी के द्वारा रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट के थ्रू क्लियर की गई है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो काफी बड़ी संख्या में कैंडिडेट आरआरबी की स्टैंड बाय लिस्ट में बचे हुए हैं। कब तक इनके रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट या फिर कई इंडेंट पैनलिस्ट आरआरबी के द्वारा पब्लिश किए जाएंगे जिससे कि सभी कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट को खत्म किया जा सके? कैंडिडेट के काफी आरटीओ और मेल्स करने के बाद में भी आरआरबी के द्वारा इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है कि कैंडिडेट की कब तक वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग पैनलिस्ट सॉर्ट आउट किए जाएंगे। किस किस प्रकार से आरआरबी 100% इंडेंट पैनलिस्ट की डिमांड कर सकती है, कब कब आरआरबी में वैकेंसी के रिव्यू किए जाते हैं और किस किस प्रकार से स्टैंड बाय लिस्ट को खत्म किया जा सकता है, क्या क्या इसके ऑफिशियल रूल्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल सर्कुलर ओपन कर रखा है। ये सर्कुलर प्रीवियस में जारी किए गए थे। लेटेस्ट में किसी भी प्रकार के सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा स्टैंड बाय लिस्ट या फिर कई वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग पब्लिश नहीं किए गए हैं। ये सर्कुलर अगस्त 2013 में जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद लेटेस्ट में ही 2014 में एएलपी एंड टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आई थी। इसी सर्कुलर में वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव पॉइंट मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से आरआरबी 100% इंडेंट पैनलिस्ट की डिमांड कर सकती है और कब कब आरआरबी में वैकेंसी के रिव्यू किए जाते हैं, क्या क्या इसके ऑफिशियल रूल्स हैं, इन सभी के बारे में इस सर्कुलर में मेंशन किए गए हैं। अब इस सर्कुलर का क्या सब्जेक्ट था, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट ऑफ हाई पावर कमेटी टू रिव्यू द ड्यूटी हावर्स ऑफ रनिंग एंड अदर सेफ्टी रिलेटेड कैटेगरीज ऑफ स्टाफ, यानी कि जो भी हाई पावर कमेटी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रनिंग स्टाफ है या फिर जो भी अदर सेफ्टी रिलेटेड कैटेगरीज है, जैसे एएलपी एंड टेक्नीशियन हो गया, आपके एनटीपीसी हो गए या फिर लेवल वन की कई कई पोस्ट हैं जो कि सेफ्टी रिलेटेड कैटेगरीज में आती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी के जो रिव्यूज होते हैं उनके सर्कुलर जो ये जारी किया गया था, किस किस प्रकार से वैकेंसी के रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स में करवाए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी में जो पॉजिटिव पॉइंट है स्टैंड बाय लिस्ट वाले कैंडिडेटों के लिए, उसी पॉइंट्स के बारे में वीडियो में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें इस सर्कुलर के पेज नंबर 204 के पॉइंट नंबर 4.426 की, तो देखिए, रनिंग स्टाफ रिव्यू शुड बी कैरिड आउट ओनली एट हेडक्वार्टर्स लेवल, यानी कि जो भी रनिंग स्टाफ का रिव्यू है वो ओनली फॉर हेडक्वार्टर्स लेवल पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि जो रिव्यू होगा वैकेंसी का यदि जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स लेवल पर होगा, तो वहीं से जो भी वैकेंसी की एक्चुअल पोजिशन है कि कितनी वैकेंसी अभी भी आरआरबी जो जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स है उसमें वैकेंट बची हुई, तो इन सभी का रिव्यू हेडक्वार्टर्स लेवल पर होना बिल्कुल सही है। आरआरबी का वर्क ओनली फॉर रिक्रूटमेंट लेना होता है। जैसे ही जोनल रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से यहां पे जो है वैकेंसी के डाटा सबमिट किए जाते हैं आरआरबी के पास में कि किस प्रकार की वैकेंसी की उनको रिक्रूटमेंट है, यदि वैकेंसी अर्जेंट में चाहिए तो आरआरबी के द्वारा वेटिंग लिस्ट से ही कैंडिडेट की इंडेक्ट पैनल लिस्ट सॉर्ट आउट की जाती है। यदि एब्सेंट कैंडिडेट या फिर नॉन रिपोर्टिंग वाले कैंडिडेट का डाटा आरआरबी के पास में भेजा जाता है तो रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट आरआरबी के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। इन सभी पैनल लिस्ट से कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो रिव्यू है वो हेडक्वार्टर्स लेवल पर जो होता है बिल्कुल सही है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो भी वैकेंसी का रिव्यू होता है प्रत्येक वर्ष मार्च मंथ में जो है एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसी का रिव्यू किया जाता है, उसके बाद में ही हेडक्वार्टर्स में एक्चुअल वैकेंसी का पता चल पाता है कि कितनी वैकेंसी वैकेंट है, उसके बाद में जो है आरआरबी के पास में जोनल रेलवे की तरफ से डाटा भेजे जाते हैं कि किस प्रकार से वैकेंसी के उनको रिक्रूटमेंट है। तो देखिए, अब नेक्स्ट पैरा लिस्ट में क्या बोला गया है। बात करें नेक्स्ट पैरा लिस्ट की, तो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे शुड इशूड ए क्लियर एंड यूनिफॉर्म फॉर्मूला टू बी यूज्ड बाय ऑल जोनल रेलवे फॉर वर्किंग आउट द रनिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट एट द टाइम ऑफ रनिंग स्टाफ रिव्यूज, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ऑल जोनल रेलवे को एक ही यहाँ पे जो है निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रनिंग स्टाफ है उसका टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए कि कितनी यहाँ पे स्टाफ की जरूरत है और कितनी वैकेंसी अभी भी वैकेंट बची हुई है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है। द फॉर्मूला शुड क्लियरली इंडिकेट द एडिशनल रिक्रूट
रिक्रूटमेंट विच नीड टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन ओवर एंड अबाउ द बेसिक रिक्रूटमेंट ऑल्सो इट शुड बी इश्यूड विद फाइनेंस कंसिडरेशन सो दैट द डिले इन फाइनेंस वेटिंग आर मिनिमिस्ड एट जोनल रेलवे लेवल। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि टाइम टू टाइम यहाँ पे वैकेंसी का रिव्यू होगा तो इससे जो भी बेसिक या फिर एडिशनल रिक्रूटमेंट है इन सभी का टाइम टू टाइम यहाँ पे जल्दी प्रोसेस होना चाहिए कि किस प्रकार से वैकेंसी को यहाँ पे भरा जा सके। और फ्रेंड्स इससे जो है कोई भी फाइनेंस डिपार्टमेंट पे इफेक्ट ना आए, ये सभी निर्देश ऑल जोनल रेलवे को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैरा लिस्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट बात करें पैरा नंबर 4.428 की, तो देखिए रनिंग स्टाफ रिव्यू शुड बी कैरिड आउट वंस ईयर ओनली। बोला जा रहा है कि रनिंग स्टाफ का जो है प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जरूरी है कि रनिंग स्टाफ का रिव्यू किया जाए। मैंने आपको प्रीवियस में भी बोला है कि जो वैकेंसी का रिव्यू मार्च मंथ में होता है, तो यही बात इसमें मेंशन की गई है। अब बात करें नेक्स्ट पैरा लिस्ट की। फ्रेंड्स बोला जा रहा है इस पैरा लिस्ट में फॉर केयरिंग आउट द रनिंग स्टाफ रिव्यू ट्रैफिक ग्रोथ ऑफ 3 years एवरेज टाइम टेकन फॉर द मेटेरियलाइजेशन ऑफ द इंडेंट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी कि जो भी रनिंग स्टाफ का रिव्यू जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स में किए जाते हैं वो एवरेज 3 years इंडेंट को देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यदि यहाँ पे वैकेंसी का रिव्यू होता है तो जो भी इंडेंट वैकेंसीज हैं उनका रिव्यू 3 years के लिए बोला गया कि जो भी 3 years में जो भी वैकेंसी इंडेंट होगी उन सभी को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी का रिव्यू होना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का इफेक्ट जो है जोनल रेलवे पे ना पड़े और यहाँ पे टाइम टू टाइम सीटों को जो है फुलफिल किया जा सके। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या बोला गया है। आरआरबी शुड बी एडवाइज टू प्रिपेयर ए स्टैंड बाय पैनल टू द एक्सटेंट ऑफ 100% ऑफ द इंडेंट। यानी कि जब भी वैकेंसी की यदि जरूरत है तो आरआरबी को एडवाइस दिए जाते हैं कि यहाँ पे 100% इंडेंट पैनल लिस्ट का तैयार करें और कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट को यहाँ पे क्लियर किया जा सके। फ्रेंड्स ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यदि जब जब वैकेंसी का आरआरबी जो जोनल रेलवे हेडक्वार्टर से वहां पर रिव्यू होगा, जैसे ही यहाँ पे 3 years को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी का रिव्यू होगा, तो फ्रेंड्स आप देखिए 3 years का जब वैकेंसी में रिव्यू होता है तो काफी वैकेंसी है जो यहाँ पे वैकेंट होती है जिसके लिए कि इंडेंट पैनलिस्ट आरआरबी के द्वारा पब्लिश किए जा सकते हैं, जिससे कि जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उन सभी के पैनलिस्ट को शॉर्ट आउट किए जाते हैं और कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी यहाँ से क्लियर की जाती है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आरआरबी को यहाँ पे एडवाइस भी दिया गया है कि जो भी यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है कि स्टैंड बाई लिस्ट के पैनलिस्ट हैं 100% इंडेंट पैनलिस्ट आरआरबी यहाँ पे प्रिपेयर करे और यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनकी वेटिंग लिस्ट को यहाँ पे क्लियर किया जा सके। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको प्रीवियस में एक ही बात बोली थी कि जब जब वैकेंसी का रिव्यू होगा मार्च मंथ में, उसके तुरंत बाद में अप्रैल मंथ में डाटा जो है आरआरबी के पास में भेजा जाता है कि किस प्रकार से वैकेंसी को उनको अर्जेंट या फिर रिक्रूटमेंट है। तो जैसी वैकेंसी की रिक्रूटमेंट होगी या फिर इंडेंट पैनलिस्ट की रिक्रूटमेंट है तो आरआरबी के द्वारा इंडेंट पैनलिस्ट शॉर्ट आउट किए जाते हैं। यदि कैंडिडेट की एबसेंट या फिर नॉन रिपोर्टिंग वाले डाटा भेजे जाते हैं तो रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट कैंडिडेट की पब्लिश किए जाते हैं। अब बात करें कि कब तक यहाँ पे वेटिंग लिस्ट या फिर स्टैंड बाय कैंडिडेटों की क्लियर की जा सकती है। फ्रेंड्स देखिए अभी मार्च मंथ के एंड तक यहां पे वैकेंसी का रिव्यू होगा, उसके बाद में अप्रैल फर्स्ट या फिर अप्रैल सेकंड वीक में आरआरबी जो है अब आरआरबी के पास में डाटा भेजा जाएगा कि किस प्रकार से वैकेंसी है और उसके बाद में पैनलिस्ट जो है प्रिपेयर किए जाएंगे। तो आप देखिए देखा जाए तो मई मंथ के फर्स्ट वीक या फिर मई के एंड तक लगभग देखा जाए तो काफी आरआरबी जैसी होंगी जिनमें कि यहां पे पैनलिस्ट शॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे और काफी कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट भी आरआरबी के द्वारा क्लियर की जाएगी। अब आप देखिए यदि बात करें न्यू रिक्रूटमेंट एएलपी एंड टेक्नीशियन या फिर कहे आरआरबी जेई वाले कैंडिडेटों की, तो अभी देखिए किसी भी प्रकार की न्यू रिक्रूटमेंट आरआरबी में नहीं आएगी। लगभग देखा जाए तो 2022 एंड या फिर 2023 के फर्स्ट वीक में ही आप देखिए इसकी न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। इससे पहले किसी भी प्रकार के न्यू रिक्रूटमेंट एएलपी टेक्नीशियन की जारी नहीं की जाएगी। अभी भी काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेन लिस्ट में होने के बावजूद भी यहां पे जॉइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए भी काफी कैंडिडेट की जॉइनिंग को यहां पे एक्सटेंड किया गया था। अभी तक उन कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग भी आरआरबी में नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे काफी कैंडिडेट अभी वेटिंग लिस्ट में है या फिर मेन लिस्ट में है। तो काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसी रिक्रूटमेंट में अभी जो है उनका काफी वर्क जो है यहाँ पे बचा हुआ है, तो ऐसी जो है पोजीशन में कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट आरआरबी में एड जो है जारी नहीं की जाएगी। तो जो भी वैकेंसी की पोजीशन है इसी वैकेंसी से कैंडिडेट की जो सीट वैकेंट है उनको शॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने सभी फ्रेंडों के साथ, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए।